6.4। थर्ड क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। थर्ड क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, छोड़ दो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में नहीं आएगा तुम्हें बेटा। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a है। अब इसमें से ध्यान से देखोगे तो 9 बाहर कॉमन ले सकते हो ना, तो अंदर क्या बच जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। और अगर कल वाला किया था तो आराम से पता लग जाएगा कि ये होता कितना है। तो एक फॉर्मूला था बड़ा, सेकंड फॉर्मूला ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या लिखवाया था, sec स्क्वायर ए लिखवाया था, जो बोला था याद होना चाहिए। और अगर इसको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और एक साइड क्या बच जाएगा सिर्फ 1। तो यहां ध्यान से देखो, sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसी जगह क्या लिख सकते हैं 1। तो 9 वन जा 9, ऑप्शन में है 9, टिक कर लो। तो ये वही कर पाएगा जिसको क्या याद है, सेकंड वाला फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता कितना है, ताकि लेफ्ट राइट करना, जो हमने सबसे ज्यादा लेफ्ट राइट कब किया, कल ही परसों किया मेरे ख्याल से, वो इसको बार बार करते रहना है तो सारा चीज दिमाग में बैठ जाएगा, अगले बार इस तरह से करके देखना भी नहीं पड़ेगा। ये तो पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा कि अरे ये कैसे पता लगेगा, सब पता लग जाएगा, द ओनली थिंग इज दैट प्रैक्टिस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में पहुंचते पहुंचते नई कहानी बताऊंगा बेटा, तू बेटा चले आगे, ठीक है। नो बोल रहे हो तो मैं इसी में थोड़ा सा काम कर लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा कर लियो तो, अब देखो ध्यान से, ये 1 है, इसको वैसे ही रहने दो। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें, है ना। जब मैंने बोला जो समझ में नहीं आएगा तो क्या करना है, साइन और कॉस की लैंग्वेज में चेंज करो। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, सेक किसका उल्टा होता था जल्दी याद दिलाओ, 1 बाई कॉस थीटा, वेरी गुड। अगला वाला 1 की जगह 1 रहने दो, कॉट थीटा जहां भी दिख जाए किसको इस्तेमाल करेंगे हम बेटा, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1 बाय साइन थीटा। अब एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा, ऊपर मुझे स्पेस चाहिए, मिटा दूं, ये लिख लिया होगा मेरे ख्याल से रूल, इस रूल को अपने बुक में लिख के रख लेना, हर जगह काम आएगा जब भी। ये जिसको याद है उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक नहीं रह सकता कभी भी, अब गायब हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा, कॉस कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, कॉस थीटा बेटा, 4 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 4, तो कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा, ऐसे सोचो। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के टेबल में कॉस थीटा कब आता है, 1 पे, फिर 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 into साइन थीटा, साइन थीटा प्लस, फिर से चेक करो कॉस थीटा के टेबल में बेटा कॉस थीटा कब आएगा, 1 जा, फिर 1 1 जा 1, बंद कर लो, फिर अगला ब्रैकेट नीचे, साइन थीटा, साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा बेटा, साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे साइन थीटा 1 जा, साइन थीटा प्लस, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा कब आएगा, 1 पे, फिर 1 into कॉस थीटा माइनस, साइन थीटा के टेबल में साइन थीटा कब आएगा, 1 पे, फिर 1 1 जा 1, ब्रैकेट क्लोज, नीचे वाला मिटा दो बेटा, स्पेस चाहिए मुझे, नीचे वाला नोट कर लिया रेड वाला। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए है और ये बी है ना,
और ये पूरा का पूरा तुम्हारा ए है और ये माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? सबको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, हाँ तो ये ए मेरा पूरा, आंख खोल के देखना पड़ेगा इसमें, तो मतलब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए हो गया बेटा इस पूरे का स्क्वायर माइनस ये बी है हमारा, तो बी का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वैसे वन ही होता है, मैं वन भी लिख सकता था पर ये कहीं भूल ना जाओ इसलिए ऐसा लिख दिया मैंने। और नीचे क्या है बेटा? मल्टीप्लाई है ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कहने का मतलब एक्स इंटू वाई क्या होता है? एक्स वाई, तो अलग अलग चीजें हैं तो वो वैसे लिख देंगे हम। अब ध्यान दो, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, आता है करना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, कर दो फिर, ये ए है तुम्हारा कॉस थीटा, बी है तुम्हारा साइन थीटा, तो ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी क्या हो गया? टू इंटो साइन थीटा इंटो कॉस थीटा, और ये लास्ट में कितना है? माइनस वन है, तो माइनस वन लिख देता हूँ। और नीचे क्या बच गया बेटा? कॉस थीटा इंटो साइन थीटा। अब नॉर्मल मैथ्स ध्यान दो, कल बोला था फॉर्मूला याद करके आना बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? वेरी गुड, वन होगा। चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलूं या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलूं, वन, और ये माइनस वन है। काट सकता हूं कि नहीं काट सकता बेटा? पूरे को कट जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है, यहां टू इंटू साइन थीटा कॉस थीटा है, तो एक कॉस ऊपर कटा एक कॉस नीचे, एक साइन नीचे कटा एक साइन ऊपर, आंसर कितना आ गया? टू इज द राइट आंसर। अब मुझे नहीं पता बेटा इसमें क्या करना है, लेकिन जब कुछ नहीं पता तो क्या करूं? सेक ए किसका उल्टा होता है जल्दी बताओ? वन अपॉन, लिख लिया मैंने टेन ए, मैंने बोला जहां पे भी नजर आए क्या क्या लिखोगे? साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहां कुछ नहीं करना बेटा क्योंकि यहां तो साइन में पहले से ही दे रखा है कि नहीं? अब इसमें एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉस ए, ऊपर क्या बच जाएगा बेटा? वन प्लस साइन ए, और यहां पे कितना है? वन माइनस साइन ए। अब ध्यान दो, ऊपर क्या दिख रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, तो ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या था बेटा? कॉस ए, और फिर से वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? इसके लिए तुम्हें पहला फॉर्मूला याद रखना है, मैंने लिखवाया था क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है? वन, वन होता है ना, तो अगर मैं बोलूंगा वन इस साइन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूं तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? चेक करो, कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा? लेफ्ट राइट कर दिया बेटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए जहां दिखेगा उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या था? कॉस ए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, ऊपर है एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और नीचे कौन है? एक्स ही है, तो काटोगे तो क्या बच जाएगा जल्दी बताओ? कॉस ए, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए का क्या मतलब है? कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे क्या है? एक कॉस ए है, ऊपर नीचे काट देंगे तो कितना बचेगा बेटा? एक कॉस ए बच जाएगा, आंसर चेक करो, यही होना। तीन फॉर्मूले, पेरेंट फॉर्मूले, पहला क्या, पहला क्या है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन था, दूसरा क्या था? वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना था? लिख देता हूँ सेक स्क्वायर है। तीसरा वन प्लस कॉट स्क्वायर है कितना था बेटा? कॉस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दो, सेक स्क्वायर है,
sec किसका उल्टा होता है, तो ये वन अपॉन cos square a हो गया, डिवाइड बाय cosec किसका उल्टा होता है बेटा, बताओ बताओ जल्दी, cosec किसका उल्टा होता है, साइन, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें, ऐसे तो डायरेक्ट करना आना चाहिए, लेकिन अगर कभी भी गलती से फंसो तो गलत नहीं करके आना, दिमाग लगाना। दिमाग क्या कहता है मेरा बड़ा, कि वन बाय कॉस स्क्वायर ए है, इस अपॉन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, उसके बाद वन अपॉन साइन स्क्वायर ए है। तो पहले वाले चीज को तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, वैसे ही रहने देते हैं, डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाता है, इंटू में, फिर नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे। अब ध्यान दो, ऊपर साइन स्क्वायर ए है बेटा और नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन अपॉन कॉस होता क्या है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है और स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन देखो है क्या बेटा, अगर है तो इज द राइट आंसर, बिल्कुल है। फिफ्थ क्वेश्चन, तो टोटल 10 क्वेश्चन है बेटा, है ना, हर टाइप के क्वेश्चन है बेटा इसमें, हर टाइप के क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हम 8.4 के। पहला क्वेश्चन है, अब प्रूफ करने वाला है बेटा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो पहले मैं LHS लेके चलता हूँ, ठीक है, और राइट हैंड साइड पहुँचने की कोशिश करता हूँ। इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं होता बेटा कि ये ऐसे ही होगा, स्कूल में ऐसे कोई नहीं बताएगा, वो बोलेंगे ये है इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा, तो बच्चा निकालेगा निकलेगा नहीं, बोलेगा अरे यार मैं क्या करूँ, मत सोचना। तुम्हारे पास तीन ही तीर है बेटा जो मारने, पहला LHS वाला लेके चलो, चलते रहो जो हो रहा है होते करते रहो और राइट तक पहुंच जाओ, पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, फिर भी मत डरो अगर नहीं पहुंच रहे, राइट वाले को पकड़ो, चलते रहो कहीं पहुंच जाओ और फिर देखोगे तो दोनों एक जगह पहुंच जाएगा या फिर पहले वाले तक पहुंच जाओगे। पहले मैं कौन सा तीर मारने वाला हूँ, LHS वाला, 80% क्वेश्चन LHS लेके सॉल्व हो जाएगा, 30% जो है, सॉरी 80 हो गया ना, 15% जो होता है वो ऐसे सॉल्व होता है कि LHS लेके कहीं गए, RHS लेके कहीं गए और सॉल्व कर लिया, और 5% ऐसा होता है कि RHS पकड़े और LHS तक पहुंचे, मतलब RHS पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड बहुत कम होता है नाम मात्र के लिए, तो उससे तो डरो ही मत। अब देखते हैं बेटा क्या होता है आगे, कॉसिक का किसका उल्टा होता है बेटा, हमेशा पहला स्टेप क्या बोला था मैंने, साइन और कॉस की लैंग्वेज में चेंज कर दो जब कुछ समझना है तो कॉसिक किसका उल्टा था, साइन का, तो क्या लिख सकता हूं मैं, वन बाय साइन थीटा। LHS ले लिया बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला, कॉट जहां कॉट दिखे तो हमें क्या चेंज करना था जल्दी बताओ, बिल्कुल गलत, कॉस अपॉन साइन, यही था ना, साइन एंड कॉस की लैंग्वेज में चेंज करना है तो, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, एलसीएम लेना आता है ना बेटा, ऊपर क्या बचेगा, वन माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। इसके बाद दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना, उसके बाद ऊपर वाला जो है बेटा वो तो तुम्हारा वन माइनस कॉस थीटा इस पूरे का स्क्वायर है ना, और नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे क्या है तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में कैसे चेंज कर सकते हो, याद दिलाओ, बिल्कुल सही, वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है बेटा ऊपर, तो नीचे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कहाँ से आया बेटा, अगर कोई भूल जाए तो फॉर्मूला याद रखना, पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको राइट में ले जाओ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो,
ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है बेटा, तो वन के ऊपर मैं अपनी मर्जी से स्क्वायर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वन स्क्वायर होता कितना है, वन ही होता है, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, पर मुझे हेल्प मिल जाएगी। देखो कैसे, ऊपर वाला जो है तुम्हारे पास इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर का मतलब यही होता है ना। और नीचे वाला क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, खोलोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, सेम जो चीज है उसको काट दो, क्या बच गया, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यही तो था राइट में, तो हम पहुंच गए बेटा इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आर एच एस, लिख सकते हो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हिमाचल प्रदेश, मतलब हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड में है ना इज इक्वल टू के, और हमें कहां पहुंचना है, टू सेक ए तक पहुंचना है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है बेटा सेक किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ, कॉस का, तो कहीं टू अपॉन कॉस ए भी आ गया तो मेरा काम चल जाएगा, दिमाग में ये चीज दौड़ जानी चाहिए, ठीक है, मतलब अभी आ नहीं रहा है लेकिन क्या पता आ जाए, क्या क्या दौड़ जाना चाहिए, क्योंकि या तो मैं टू से सेक ए तक आ गया तब भी पहुंच जाऊंगा, नहीं आया तो कहीं मुझे टू अपॉन कॉस ए भी मिल सकता है, क्योंकि सेक ए हमारा किसका उल्टा होता है, वन अपॉन कॉस ए, अगर ये भी आ गया तो इज इक्वल टू लिख के फिर ये लिख दूंगा, हम ऐसे माइंड में सोच सकते हैं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चलने वाला हूँ, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है बेटा सेम यही लिखना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताऊँ क्यों, क्योंकि सब तो साइन और कॉस में पहले से ही दिया हुआ है, पहला फॉर्मूला फेल, साइन और कॉस पहले क्या बताया था, साइन और कॉस में चेंज करना है, यहाँ पे तो पहले से ही साइन और कॉस में है, अब क्या करें, अब जो दे रहा है जो करना है वो करते हैं, प्लस करना है दोनों को एलसीएम लेके, अब एलसीएम लेते हैं कुछ ना कुछ, अब आगे रास्ता निकलेगा। अब ये अलग चीज़ है बेटा, ये नारियल है ये अमरूद है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो जुड़ तो सकता नहीं है, मल्टीप्लाई हो सकता है ना, एक्स और वाई का एलसीएम क्या होता है बेटा, एक्स इंटू वाई, वैसे इनका क्या हो जाएगा बेटा, एक लंबी सी लाइन खींच दो, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू वन प्लस साइन ए, जब इतना काम कर लोगे उसके बाद अगर इसको और इसको डिवाइड करें तो ये वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा कॉस ए, फिर कॉस ए को क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, यही करते हैं ना, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस, फिर इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे बेटा तो कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में तो पहले से ही वन प्लस साइन ए है, मतलब वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, तो मतलब क्या हो गया, वन प्लस साइन ए का, गलत बोल रहे हो, होल स्क्वायर, जब पूरे का स्क्वायर करते हैं तो क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं बेटा, है ना, अब खोलने का काम संपन्न करें, पहला जो है इसको, ये तो पहले से ही खुला हुआ है तो उसको वैसे लिख दो, अब ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, अब इसको खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें आता ही है, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a, उसके बाद प्लस 2 साइन a, पता लगा 2 साइन a कहाँ से है बेटा, 2 इंटू 1 इंटू साइन a, तो 2 1 से 2 होता है, तो 2 साइन a, नीचे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वैसे ही रहने दो, कॉस ए वन प्लस साइन, अब ध्यान दो बेटा कुछ कुछ समझ में आने लग गया होगा तुम्हें, साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, कॉस स्क्वायर ए भी दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जल्दी बताओ, याद आ गया सबको, वन होता है,
और ये वन हो गया अगर दोनों जोड़ के, और वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए। अब नीचे जो है उसको वैसे लिख दो, कॉस ए और ब्रैकेट में था वन प्लस साइन ए। अब कॉमन लेना आना चाहिए बेटा दोनों में से, एक जगह टू है एक जगह तुम्हारे पास टू साइन ए है, बताओ जल्दी से किसको कॉमन लूँ मैं बाहर, टू ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, बट वन प्लस साइन ये बचेगा बेटा। और नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दो, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस साइन है। अब आंखें बड़ी बड़ी करके देखो ऊपर नीचे, सेम सेम नजर आ रहा है, तो ये पूरे को काट दूंगा, ये पूरे को काट दूंगा। अब देखो टू अपॉन कॉस ए आ गया, मतलब टू की जगह तो टू ही रहने दूंगा, और ये वन अपॉन कॉस ए है जो मैंने पहले ही बोला था ऐसा कुछ आ सकता है, तो फिर मैं क्या लिख दू, वन अपॉन कॉस ए है, ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, जरूर लिखना है, पर आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, पर तुम जरूर लिखना है हिमाचल प्रदेश, आई मीन टू से हैंड्स प्रूव। बड़ा एट क्वेश्चन लिखो, इसमें आपके बहुत सारे फॉर्मूले रिवाइज होने वाले हैं एट वाले में, ये तुम्हें आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट 8.3 का भी है, लेकिन फिर भी तुम्हें नॉलेज मिल जाएगा। देखो जो मैंने छुड़वा दिया था, क्या छुड़वा दिया 8.3 में बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और कोई बोले कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा। ये 8.3 के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता रहा हूं, वो इस क्वेश्चन में 8 में काम में आने वाला है इसीलिए। और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आरएचएस छोड़ दूं कैसे, पहले चीज लिखूं क्या, ठीक है सिर्फ एलएचएस लिखते हैं, आरएचएस में जो जो है हम वहां अपने आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ठीक है, एलएचएस में है बेटा तुम्हारा साइन ए प्लस कॉसेक ए इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस हलवा बन रहा है कहीं, कॉस ए प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर। खोलना आता है कि नहीं हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है हमें, आता है कि नहीं, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ बेटा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर है प्लस टू इंटो साइन ए इंटो कॉसेक है। ये समझ में आ गया बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया सिर्फ। अब अगला खोलने वाला हूं, ये कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए इंटू सेक ए। अब फॉर्मूला काम आने वाला है बेटा, देखो ध्यान से, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है हमें, क्योंकि ये हमें अंडा देने वाला है मुर्गी का, सोने का सॉरी, क्योंकि इसको देखते ही दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, वन, क्योंकि देखो प्रूफ क्या करना है, सेवन है ना, सेवन तक पहुंचना है कैसे भी, गिरते पड़ते लुढ़कते, तो इन दोनों से मुझे वन तो मिल गया, रख लो जेब में छुपा लो। अगर इस पे ध्यान दो, अगर ध्यान से बेटा, ये साइन ए है और ये कॉस ए को, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाय साइन ए, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो मैं क्यों काटा बेटा, ये साइन ए है और ये कॉस ए के है, एक दूसरे का उल्टा है ना रेसिप्रोकल, इसलिए काट दिया, मतलब यहाँ से मुझे ये टू भी मिल गया,
वन तो पहले ही मिल गया था, वन को लेके मैंने साइड में रख लिया जेब में, यहाँ से टू को लेके भी रख लिया, थ्री नंबर हो गया। फिर ये भी देखो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक है, ये भी दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल, इसको भी काट दो, ये टू और मिल गया बेटा, तो टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव का तो अरेंजमेंट हो गया। सेवन लाने के लिए दो और रहता है, दो नंबर, उसको देखो कहाँ कौन हेल्प करेगा, जो बच गया है बेचारा यही हेल्प करेगा। कॉस एक्स स्क्वायर ए, कॉस एक्स स्क्वायर ए क्या था बेटा, चेक करके बताओ फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, मदर फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ, क्या प्लस क्या कॉस एक्स स्क्वायर ए होता है जल्दी बताओ, कॉस थ्री क्या होता है, वन प्लस क्वाड स्क्वायर है ना, लिख देता हूँ देखो ध्यान से, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कोई मन लिख लू क्या, समझ में आ जाएगा सबको, प्लस कॉस स्क्वायर ए को तोड़ के तुमने क्या बताया, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बताया है कि नहीं, फिर ये प्लस टू है तो इसको वैसे ही रहने देता हूँ, फिर ये कॉस स्क्वायर ए है और ये तो मैंने पहले यूज कर लिया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन है ना, अब ये आ गया बेटा सेक स्क्वायर ए, अब क्या प्लस क्या सेक स्क्वायर ए होता था, चेक करके फिर से बताओ मदर फॉर्मूला में से, ये तुम्हें याद होना चाहिए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये लास्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है, टू, अब नंबर देखो मेरे सब सेवन का अरेंजमेंट हो चुका है, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, बाकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन कौन सा दिख रहा है, ये और ये, बस अब मेहनत नहीं करेंगे, सारा मेहनत हम कर चुके हैं बेटा, चेक करो अब आर एच एस क्या था, यही मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा।